नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 90 रुपए प्रति लीटर को छूने वाले हैं, तो वहीं डीजल 80 के आंकड़े तक पहुंच ही गया है। विपक्ष इसको लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि मोदी सरकार ने ठाना है जनता को लूटते जाना है, बस दो का विकास कराना है। कांग्रेस ने सोमवार को दावा किया कि यूपीए सरकार के दौरान कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ज्यादा थी, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रित रखा गया था। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस सरकार के कुप्रबंधन की वजह से देश को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। अप्रैल 2014 में मनमोहन सरकार में क्रूड ऑयल $108 प्रति बैरल था, तब पेट्रोल ₹71.51 प्रति लीटर और डीजल ₹57.28 प्रति लीटर था। आज फरवरी 2021 मोदी सरकार में क्रूड ऑयल की कीमत $61 प्रति बैरल है। इस समय दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹89.29 प्रति लीटर है और डीजल की कीमत ₹79.70 प्रति लीटर है। मोदी सरकार के 6 सालों में पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को कुल 12 बार बढ़ाया जा चुका है, जबकि घटाया सिर्फ 2 बार गया है। पहली बार सरकार ने अक्टूबर 2017 में एक्साइज ड्यूटी ₹2 घटाई थी। दूसरी बार अक्टूबर 2018 में ₹2 एक्साइज ड्यूटी घटाई गई थी, मगर इसके अलावा सरकार ने हर बार एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया ही है। मई 2020 में एक साथ पेट्रोल पर ₹10 और डीजल पर ₹13 एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई, जिससे केंद्र को जाने वाले एक्साइज ड्यूटी ₹32.98 और डीजल पर ₹31.83 हो गई। पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए कुल मिलाकर केंद्र सरकार की तरफ से लगाई जा रही एक्साइज ड्यूटी कटघरे में है। ये बात सच है कि जितनी एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार अब लगा रही है, उतनी कभी किसी कार्यकाल में नहीं लगाई गई थी। यूपीए सरकार में डीजल पर वेट ₹3.56 थे, जो अब करीब ₹32 है। सवाल ये भी उठता है कि राज्य सरकारें भी पेट्रोल डीजल पर खूब कमाई कर रही हैं। जब भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो विपक्ष में बैठी पार्टियां विरोध करती हैं। कांग्रेस भी सड़कों पर आजकल विरोध में जुटी है। शिवसेना भी लगातार बढ़ते दामों का विरोध कर रही है, लेकिन विपक्ष के विरोध के इस तरीके के बीच एक सवाल कई बार ये भी उठता है कि जिन राज्यों में इनकी सरकारें होती हैं, वहां ये वैट कम कर जनता को राहत क्यों नहीं देते, क्योंकि केंद्र तेल के खेल में खूब कमा रहा है, तो राज्यों को भी भागीदारी कम नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।